हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बार और हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल यहां पर अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि सारे यूट्यूबर्स हो गए या फिर सीएससी सेंटर वाले, चॉइस सेंटर, इंटरनेट कैफे वाले, मतलब कि जिनको यहां पर यूएसबी हब का काम होता है, वो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जिससे दोस्तों यहां पर आपका पैसा और यहां पर जो आपका टाइम भी यहां पर बचेगा। तो ये रहा हमारे पास, ये अमेज़ॉन की तरफ से मैंने मंगवाया है। ऑफलाइन मैंने काफ़ी सारे मार्केट में यहां पर पता किया, शॉप में पता किया, बट मेरे को जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला। और किस तरीके का आपको यहां पर जो है आपको यूएसबी हब लेना चाहिए, वो आज के इस वीडियो में देखिएगा जरूर। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फाइनली हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हो अमेज़न में कुछ इस तरीके से पैकिंग आई है। मैंने यहां पर इसको टेस्ट करके रखा है, यहां पर 4 से 5 दिन मैंने इसको यूज़ किया, उसके बाद ये वाला जो वीडियो मैं आपको ये बना रहा हूं। तो यहां पर देख सकते हो, इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बॉक्स कंटेंट में आता है, यहां पर आप देख सकते हो। यहां पर इसका जो है ब्रांडिंग मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद ये USB 3.0 को यहां पर सपोर्ट में लेता है और यहां पर स्पीड वगैरह जो है लिखी हुए, ठीक है। उसके बाद यहां पर देख सकते हो कि इसका लुक एंड फील जो है किस तरीके से। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता, मेन जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस बॉक्स को ओपन होने के बाद। तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है, बस छोटा सा बॉक्स रहेगा। यही अगर आप मार्केट में लेने जाओ तो यहाँ पर ये 1500-2000 के बीच में ये मिलेगा। काफ़ी सारे यहाँ पर लोकल ब्रांड भी आते हैं जो कि यहाँ पर डुप्लीकेट बेचते हैं यहाँ पर, जो कि 150-200 रुपये में आ जाता है, लेकिन आपको नहीं लेना है। मैं 4-5 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो ये पॉलीथीन रैपर हटा देते हैं। आप देख सकते हो कि इसका जो यहाँ पर क्वालिटी कैसा है, ठीक है, बहुत सही है। मैट फिनिश में है, ग्लॉसी में नहीं है, ठीक है। और इस तरफ में आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। और ये जो इसका जो मेन जो चीज़ मेरे को सबसे अच्छा लगा है, इसका लुक और यहाँ पर जो इसका वायर का क्वालिटी। पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो वायर का लेंथ है, ये लगभग 1 मीटर है, यानी कि 2-3 फुट होगा। यहाँ पर देख सकते हो, ज़्यादा नहीं है, हमको ज़्यादा भी नहीं चाहिए, ठीक है। और वायर का क्वालिटी आप देख सकते हो कितना मोटा है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मैं आपको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वायर की क्वालिटी यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका जो प्लास्टिक का मटेरियल का भी क्वालिटी आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो मेन जो चीज़ है हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो USB 3.0 है या फिर 2.0 है। तो यहाँ पर अगर आपको ब्लू कलर में वो भी अच्छे क्वालिटी में आएगा, दिखेगा, तो ये वाला जो है 3.0 या 3.1 है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर अगर वाइट रहता है तो वो 2.0 है। पहला चीज़ ये है, स्पीड में बहुत फ़र्क पड़ जाता है अगर आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं जल्दी वगैरह में, अगर आपका जो है वीडियो वगैरह यहाँ पर जो है काफ़ी GB का बन जाता है तो उस केस में। और मिनिमम यहाँ पर जो है सेकेंड चीज़ की 4 पोर्ट होने ही चाहिए। 4 पोर्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 पोर्ट आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में होते हैं। उसके बाद इसको आप लगाएंगे तो 1 पोर्ट जो है आपके लैपटॉप का खाली हो जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पर ये 4, मतलब 5 पोर्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो मेन जो चीज़ है इसका जो है कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जिसको यहाँ पर कहीं पे भी कैरी करके ले जाओ, ठीक है। तो ये एकदम छोटा सा है, देख सकते हो यहाँ पर बिस्किट की तरह दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो चीज़ आता है दोस्तों, यहाँ पर जो इसमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई होना चाहिए, वो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हो एक्सटर्नल जो पावर सप्लाई इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पर जो है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर यहाँ पर कुछ भी ऐसा हैवी चीज़ें यहाँ पर इसमें करने के लिए लगाता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे कि हम इसको माउस का लगा लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर मैंने माउस लगा दिया और एक तरफ में मैंने यहाँ पर जो है फैन का लगा दिया, यानी कि ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पर देख सकते हो इसको लगा दिया। ये दो मेरे जो है हैवी हो गए, ठीक है, क्योंकि ये जो है चार्जिंग वाला है। और उसके बाद मैं लगा देता हूँ हार्ड डिस्क। जैसे ही मैं हार्ड डिस्क एक्सटर्नल लगाता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा माउस है वो लैग करने लगता है। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों कि ये USB है, ठीक है, इसको आप एक्सटर्नल एडेप्टर के थ्रू या फिर लैपटॉप के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट करके यहाँ पर देख सकते हो इस, ठीक है, इस तरीके से आप जो एक पोर्ट खाली रहेगा लैपटॉप का उसको यहाँ पर दोनों, यहाँ पर 2 पोर्ट मिल गए, तो इसको आप बहुत इजी तरीके से दोनों के यहाँ पर जो है अपने लैपटॉप में लगा सकते हो। ये जो केबल है वो 2.0 को सपोर्ट कर लेता है, स्पीड उतना नहीं मिलता। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो माउस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आता है और इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। इसके लिए अलग से वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो थोड़ा सा 2 मिनट टाइम निकाल के इस वीडियो को आप थोड़ा और देख लीजिए। तो ये रहा दोस्तों हमारा जो वायरलेस, ये रिचार्जेबल वाला है, ठीक है। तो इसको हम USB केबल के थ्रू रिचार्ज करते हैं, यानी कि चार्ज करते हैं, ठीक है। तो अब देख सकते हो ये हमारा जो परफेक्टली वर्क कर रहा है,
ठीक है, यहाँ पर जो माउस का कर्सर देख रहे हो यहाँ पर शायद डिस्प्ले में दिख रहा होगा, तो ये मतलब स्मूथ काम कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस एक्सटर्नल यहाँ पर जो है हमारे पास सीकेड का हार्ड डिस्क है, इसका अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं देखे हो तो जरूर से देख लीजिए, किन लोगों को परचेस करना चाहिए, क्या काम आता है, कितना बेनिफिशियल है, वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो बना रखी है। तो अब देख सकते हो इसमें लाइट जल रहा है, ठीक है, आपको शायद ही दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें मैंने कनेक्ट किया है ये जो है फ़ैन है, ठीक है, जिसमें 5 फैन चल रहे हैं। ठीक है, 5 फैन चल रहे हैं जो भी कंटिन्यूस, और उसमें LED लाइट है। उसके बाद USB है, यहाँ पर रिसीवर है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक यहाँ पर हार्ड डिस्क यहाँ पर कर लेता हूँ, ये भी यहाँ पर 3.0, तो देख सकते हो ये मैंने स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर ये हो गया। अब देखो मेरा माउस है वो काफ़ी लैग कर रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये कभी कभी करता है जब आपको पावर ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तब कंटिन्यूस नहीं करेगा। अब अगर आपके केस में यहाँ पर ये नहीं करता है, ठीक है, देख सकते हो अब मैं यहाँ पर ये अभी रीड राइट नहीं कर रहा है, जैसे ही कि इसमें पावर ज़्यादा लगेगा, ठीक है, रीड राइट करेगा, डेटा ट्रांसफ़र होगा इधर से उधर, तो आपका माउस है जो काफ़ी लैग करेगा। तो उस केस में दोस्तों यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई है वो काम में आता है। ठीक है, इसको आपको कनेक्ट कर देना है जस्ट सिंपल सा, और ये थोड़ा सा वायर वगैरह यहाँ पर कचरा टाइप लग रहा है, बट सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह में ऐसे ही होता है, देख सकते हो। उसके बाद ये काफ़ी स्मूथली चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसको एक्सटर्नल पावर यहाँ पर दोनों तरफ से मिल रहा है, एक इधर से मिल रहा है, एक इधर से मिल रहा है, तो ये इस तरीके से काम करता है। ये तभी लैग करेगा जब यहाँ पर आपके हार्ड डिस्क में रीड एंड राइट का जो प्रोसेस है वो होगा, यानी कि अगर आप किसी फाइल को यहाँ पर डाउनलोड कर रहे हैं या फिर किसी फोल्डर में डाल रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, तब जाके वो जो है लैग करेगा, अदरवाइज जो है लैग नहीं करेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पर लोगों को पता नहीं रहती और यहाँ पर जो है मार्केट में परचेस कर लेते। अब बात करते हैं दोस्तों इसी का, यहाँ पर जो है दो वेरियंट आता है, एक जो यहाँ पर 2000 के बीच में आता है, 1500-2000 के, और एक जो है 1000 के बीच में। तो मैंने यहाँ पर जो है सिर्फ इसका जो है क्वालिटी को देखते हुए यहाँ पर लिया है, उसका क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही अच्छा था इसलिए वो 2000 में मिल रहा था, और यहाँ पर उसमें एक्सटर्नल जो पावर जो सप्लाई है वो नहीं था। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें आपको बात ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये वाले जो चीज़ें हैं वो किन लोगों को लेना चाहिए और कितना महंगा लेना चाहिए, अगर दोस्तों आपका जो यूजेस है जैसे कि माउस कीबोर्ड वगैरह आपको चलाना है, तो उस केस में यहाँ पर जो है आप सिंपल सा 150-200-300 तक का ही जाइए। अगर आपको हैवी यूजेस है तब जाके यहाँ पर जो है आप 1000-2000 और 3000 तक का भी आता है। ये मैक के ऊपर में यहाँ पर मेरे लैपटॉप में टाइप सी भी दिया है, टाइप सी वाला भी हम यूज़ कर सकते थे, बट मेरे को उतना आइडिया नहीं था कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। फ्यूचर में मैं वीडियो जरूर से लेके आऊँगा कि यहाँ पर टाइप सी वाला जो है सपोर्ट में लेता है या नहीं लेता है USB हब। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर 2-3 चीज़ें कि आपको यहाँ पर इसका कलर को ध्यान में रखना है, क्वालिटी ध्यान में रखनी है, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, एक्सटर्नल पावर सप्लाई होना चाहिए अगर आपको में रिक्वायरमेंट है तब की बात है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपका बजट, ठीक है, बजट सबसे मेन चीज़ जो कैरी करता है। अगर दोस्तों आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है, ठीक है, इसी के डुप्लीकेट काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, तो उसको आप छोड़िएगा, जो लिंक यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा उस पर आप क्लिक करिए और नीचे यहाँ पर रिव्यू जरूर से पढ़िएगा, ठीक है, अमेजोन पे, उसके बाद आप परचेस कीजिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर से चेकआउट कीजिए। सो फाइनली आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि आपको किस तरीके से यहाँ पर जो है फाइंड करना है आपका USB हब परफेक्ट वाला। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस न करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।